तो जी हम यहाँ आए हैं हंजला के दोस्त की शॉप पे, स्टाइलो की आज इफ्तिताह है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करनी है और खिज़र भाई को हम यहाँ मिलते भी हैं, तो हम अंदर चलते हैं, आपको टोटल वैरायटी भी दिखाते हैं और खिज़र भाई से भी मिलवाते हैं। हंजला अंदर वैसे भी पहले से मौजूद है, तो हम आए हैं, अब हम अंदर चलते हैं, आ जाएं। तो अब हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको टोटल हम यहाँ वैरायटी का विज़िट भी करवाते हैं और खिज़र भाई से भी मिलवाते हैं, तो आ जाएं, अंदर आते हैं। तो माशाल्लाह ये आज इफ्तिताह हुआ है, ये देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी लगी हुई है, और आज ये पहला दिन है पहले खिज़र भाई की शॉप का ना, आज पहला दिन है। ये हंजला भाई के मेरे भतीजा जो हंजला है उनके दोस्त भी हैं, ये उनकी शॉप है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पे, और आज इनका पहला दिन है, अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, कामयाबी दे। और ये हमारे फ़ैन भी निकल आए हैं लाहौरी फूड एंड ब्लॉग के ना, खिज़र भाई हमारे फ़ैन भी निकल आए हैं। मज़ीद हम आगे भी चलते हैं, मज़ीद इनके पास जो जो वैरायटी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इतने छोटे शहर के अंदर बहुत बड़ी शॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको, मेरी तो बार बार सेटअप को, सिस्टम को देख के बहुत ज़्यादा प्यार है, दुआएं निकलती हैं, अल्लाह पाक हर बंदे को तरक्की दे। और ये तो ख़ास तौर पे मेरे भतीजे का दोस्त है, तो मेरा भतीजा हुआ, अल्लाह पाक इनको भी तरक्की दे। तो ये बेबी शूज़ की वैरायटी है। खिज़र भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शॉप है। वालेकुम अस्सलाम, और आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे जी। ये असल में हंजला के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, मेरा हंजला भतीजे और ये भी मेरे भतीजे हुए, तो इनकी शॉप से हम जो अब ख़रीदेंगे वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, और हम अपने व्यूअर को, देखने वालों को ये ज़रूर कहेंगे कि पसरूर में ये कौन सा रोड है, ये क्लास वाला रोड पे स्टाइलो शॉप पे लाजमी विज़िट करें, बहुत ज़्यादा वैरायटी है लेडीज़ की, शूज़ की, और ये विंटर की चादरें वगैरह, पर्स, हर चीज़ की वैरायटी, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है, तो काइंडली लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो आज मेरी मिसेज की एनिवर्सरी भी है और खिज़र भाई की शॉप का इफ्तिताह भी है, इस खुशी में मैंने तो बहुत इनको रोका है, इन्होंने मुझे शॉल भी और मेरी मिसेज के लिए जूते भी ये गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, बहुत खुशी हुई आपकी शॉप पे आके, ये खिज़र भाई की तरफ से स्पेशली गिफ्ट। तो जी अब हम स्टाइलो से फारिग होके यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा यहाँ चहलकदमी करेंगे, नवाज़ शरीफ पार्क है ये मसूर की, और यहाँ के मशहूर गोलगप्पे भी हम आपको उसके बारे में बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त होते हैं मुझे जैसा कि बताया गया है, तो इंशाल्लाह उन गोलगप्पों के टेस्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। मज़ीद हम अंदर चल के विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हम पार्क में पहुंच चुके हैं, और ये पार्क माशाल्लाह बहुत पुरानी बनी हुई है, देखें कितनी ज़बरदस्त पार्क बनी हुई है, ये बैठने की जगह 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 बनाई हुई है, ये फुवारा लगा हुआ है, और मुख्तलिफ बच्चों के लिए झूले वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये यहाँ ये म्यूनसिपल लाइब्रेरी पसरूर, ये यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो यहाँ लोग आके बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं जो भी। और ये इस साइड पर ये देखें, ये इधर ये झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की हुई है पार्क। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ उस हिसाब से तो ये बैकवर्ड इलाका हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इतनी खूबसूरती और इस खूबसूरती से इस काम को मैनेज किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस बारे में काइंडली आप भी अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे बच्चों के लिए, पार्क्स, झूले वगैरह, और बहुत यहाँ पे वॉक की जाए तो बहुत ही सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जी यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और शाम का वक़्त हो रहा है अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? ठीक हैं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से मज़े में? बिल्कुल। किधर से? इसी इलाके से बिलोंग करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, सरैकी हूँ। अच्छा अच्छा, मुजफ्फरगढ़ हो वाल, तो फिर तो ये हमारा सरैकी भाई निकल आया ना। मेरा इलाका ही मुजफ्फरगढ़ कस्बा गुजरात है। तो कोई इलाके दे बेच आके की में महसूस थी पे की में इलाका? इलाका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत इतना मज़ा करें देखने, एंजॉय करें देखने आए था, बहुत पसंद है जो दे कल्चर देख के, जो दे पार्क से, जो दे सारा कुछ मिसाल बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह तुहारे अगर माइंड ना करो तो मैं तुहारे 5-7 मिनट गिनदा ही मैं जरा गपशप करने हैं क्योंकि इलाके दा भाईजान कहां ही मिल वने ना बहुत प्यारा लगदे तुसा दा सारे इलाके दे जवान ही वे माशाल्लाह बहुत मेरे को खुशी थी है आज अपने व्यूअर्स को इस रैकी दे विच भी अपना विलाग पुछे सो इंशाल्लाह ते उंदा वल ए बहुत ज्यादा जेडे साडे सरैकी बिराए सरैकी सुनन वाले उन्हें बहुत चंगा लग सी के मजीद यार ई इलाके दे विच मैं एक शायद इठी है कि यार इथा देखो मैं क्योंकि लाहौर दा रिहायशी है ई वक्त इथा बैकवर्ड इलाका होमण दे बावजूद देखो कितना खूबसूरती है माशाल्लाह वो देखो अगर मैं अपने कैमरामैन दोस्त को आखा भी ऊं साइड को दिखाओ देखो कितना खूबसूरती है माशाल्लाह देखो ये बालें किते साइकिल वगैरह खड़े हैं भी उड़े हाँ उड़े झूले वगैरह हैं बहुत जबरदस्त निजाम हाँ निजाम है इतना बहुत खूबसूरत लगता पे अच्छा मैं को तुम्हारे नाल मिल के बहुत ज्यादा खुशी थी ये बिल्कुल भाई जान मैं जेड टाइम तो गाल करें दो सुने ना फोन दे उते मैं के ई भाई को मैं लाजमी मिल सा चलो सरैकी अलवा के मेरा दिल खुश थी वैसे बिल्कुल खुशी थी लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा खुशी थी ये तुम्हारे नाल मेरी मुलाकात थी ये ते मैं भाईजान तुम्हारा बहुत ज्यादा मशहूर हाँ इंशाल्लाह बहुत कीमती टाइम दे मन दा बहुत शुक्रिया ते असा अपने विलाग दा इथे एंड करेने है अज सरैकी एच भाईजान तुम्हारी वजह कोलो अज मैं सरैकी एच एंड करेना असा अपने विलाग दा इथे एंड करेने है सारा विलाग अगर पसंद आंदा होवे तां काइंडली को लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब करो मिलते हैं नैक्सट विलाग मिलसो इंशाल्लाह नए विलाग दे नाल उं वक्त तक सबको इजाजत दियो अल्लाह हाफिज़।